टू पिंगो हटके झटके प्रेजेंट्स कांटे की टक्कर, और आज है इस टक्कर का ग्रैंड फिनाले। और इस महाजंग में अपने अपने हथियारों के साथ आक्रमण के लिए तैयार हैं सीजन वन एंड सीजन टू। जोरदार तालियां हो जाए उन पेड़ों के लिए जिसके ये काटे हैं, अर्चना परवान सिंह और कॉमेडी के गुणकारी फल शेखर समान। और हमारे ग्रैंड फिनाले के स्पेशल जज कॉमेडी के माई बाप डेविड धवन। और आज इन सबको कॉम्प्लेक्स देने के लिए आ रहे हैं हमारे सेट पर अर्चना की हंसी से ज्यादा सॉलिड हंसी के मालिक, शेखर की हिंदी से ज्यादा मुहावरों के साथ, प्लीज वेलकम कद्दू पाजी। कद्दू पाजी, अब आपकी मैं क्या तारीफ करूं, आप खुद ही बता दीजिए। भाई मेरी तारीफ श्रुति जितनी की जाए कम है। मादा लाडला रोता है, कुछ कुछ होता है, आधी रात को वो नहीं सोता है, कहता है मम्मी उठना है, क्योंकि टीवी पे आ रहा है कांटे की टक्कर, कांटा चुभ जाए तो खून निकलता है। ओए कद्दू पाजी, तुसी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ ताकि हम आज रात का शो आगे बढ़ा सके। इतने प्यार से कोई मुझे बोले तो मैं सीट क्या, मैं तो दिलों में बैठ जाऊं। अच्छा, जोरदार कद्दू पाजी के लिए। मेरे गीत याद रखना। आपको पता है कॉमेडी के इन खिलाड़ियों का इतना कमाल होने का राज क्या है? ये स्टेज, जो भी इस स्टेज पर आता है, चाहे गेस्ट हो या फ्रेंड, बड़ा नाम हो या गुमनाम, उसे आते ही एक कॉमेडी के कीड़े लग जाते हैं। यकीन नहीं होता, खुद ही देख लीजिए। वेलकम टू कॉमेडी सर्कस, आज होने वाली है यहाँ पे कांटे की टक्कर। देखा आपने, कांटे की टक्कर में जो भी आता है इसी का हिस्सा बन जाता है। जैसे कि आज के हमारे दो खास मेहमान अपनी जिंदगी का पहला स्टैंड अप एक्ट लेकर आ रहे हैं, हमारे आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर लुबना एंड वैशाली। हाँ सर, हाँ बस पहुंच ही रही हूँ। हाँ सर, बस पहुंच गई। यस यस सर। हाँ, पता नहीं कोई नई एक्ट्रेस है सर। हाँ बस 5 मिनट में इंटरव्यू खत्म करके आ रही हूँ। यस सर, कैमरा टीम पहुंच गई है। ओह, आप जी, आप है मेन लीड एक्ट्रेस? यस। अरे वारे चैनल वाले। तो शुरू करते हैं, ठीक है, इंटरव्यू शुरू करते हैं जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वैशाली ठक्कर, बास बदबू और बारिश से। टेलीविजन पर आज फिर से एक नया शो शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है योंकी। सुस्ती जी, बास बदबू और बारिश में आपका हार्दिक स्वागत है। आप क्यों स्वागत कर रही हैं? ये काम तो मुझे दिया गया है ना। अच्छा, देखिए अच्छा। हर एपिसोड के पहले मैं ही सब लोगों का स्वागत करती हूँ ना, ऐसे। अरे अरे अरे, ओ हेलो, ओ मैडम, ओ हो, अरे वाले यार, खींची जा रही है मैडम, क्या कर रही हैं आप? ये तो, अरे अरे अरे, यहाँ खड़ी रहिए आप। खड़ी हूँ। लोग सोचती नो मस्ती, ओके ये आपका मार्क है। यस, यहाँ खड़े खड़े सबका स्वागत कर लीजिए आप। नमस्ते, आप सब लोगों का इस शो में हार्दिक स्वागत है। कट कट कट, फिर से कट। कोई मर गया? नहीं। तो रो क्यों रही है मैडम? ओ, कैरेक्टर में आ गई थी मैं। तो ये थी रोते रोते मीठा बोले। मैं अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ ज्यादा बोलूं? तो ये बहुत, अरे मैडम हो गया आपका इंटरव्यू, जाइए जाइए यहाँ से, जाइए बस, जाइए। अच्छा जी, नमस्ते नमस्ते। स्पॉट दादा, कृपया पानी लाना प्लीज। ओफो, 6 महीने बाद। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। आपको तो पता ही है कि 6 महीने हो चुके हैं और TRP के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए योंकी ने 100 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी दुलारी, हमारी प्यारी, सबकी प्यारी सुस्ती है रानी से। कट कट, मास्टर शॉट्स प्लीज डुप्लीकेट के साथ करवा लो, मैं सिर्फ क्लोजेस दूंगी। हाँ जी, आप इंटरव्यू कर रही हैं? हाँ जी, बोलिए सुस्ती जी, जरा उस तरफ चलिए।
अरे कैमरा इस तरफ लो भाई। सुस्ती जी आज आपका योंकी का 100वां एपिसोड है। तो इस अवसर पे कैसा महसूस कर रही हैं आप? कैसा सवाल पूछ रही हैं आप? अच्छा तो लगेगा ना। सुस्ती जी आप मुझे ये बताइए कि अब बताने का बिल्कुल टाइम नहीं है, आपने वैसे भी मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया है। तो ये थी हमारी पानी बोला मैंने तो ये थी हमारी प्लीज आप वहां जाइए, वहां लोगों को डिस्टर्ब करिए, वहां डिस्टर्बिंग मी ओवर हियर, प्लीज आप वहां जाइए। ओके प्लीज वहां जाके शूटिंग। ओके सॉरी मैडम नो मोर प्रेस। 5 साल बाद मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कहूंगी। मैंने आपसे कहा ना, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, बस why are you disturbing me? मुझे आपकी स्कीम नहीं चाहिए। मैडम जी बोलिए। हेलो सुस्ती जी। नेक्स्ट नेक्स्ट कांग्रेचुलेशन सुस्ती जी आपकी तो। यस जल्दी बोलिए सुस्ती जी। क्या आप ये सीरत छोड़ रही हैं? वेल हाँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्योंकि क्यों मैं आपको क्यों बताऊं? सुस्ती जी ये भी सुनने में आया है कि आपको कोई बड़ी एक्ट्रेस रिप्लेस करने वाली हैं। मुझसे बड़ी कोई हो सकती है इस मार्केट में? जी मैं एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ, साइज की नहीं। जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सुस्ती जी की प्लीज आप मेरा टाइम वेस्ट मत करिए, आपने वैसे मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। पानी। कुछ साल बाद आप फिर से आ गई। अरे अरे सुस्ती जी आप भी तो फिर से आ गई हैं। तो सुस्ती जी ये बताइए कि पहले आप योंकी से चले गए, फिर आपने टेलीविजन सीरियल प्रोड्यूस किया, वो टेलीविजन से ही चले गए, कैसा महसूस करती हैं आप? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जी 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 नो कमेंट्स। एक बात तो है सुस्ती जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत रुलाया, लेकिन हमारे दर्शकों ने भी आपको कम नहीं रुलाया। योंकी के अलावा आपका एक भी टेलीविजन सीरियल नहीं चला है, इसके बारे में क्या महसूस करती हैं आप? नो कमेंट्स। सुस्ती जी लगता है आपका फोन बज रहा है, वाइब्रेटर पे है। बजने दीजिए। ओके जस्ट अ मिनट। यस मुक्ता, कीप ऑन रोलिंग। व्हाट मुक्ता? व्हाई मुक्ता? ओ मुक्ता, नो मुक्ता, क्या हुआ? बैकअप। बैकअप? अरे वाह वाह दर्शकों, यू आर वेरी लकी। सुस्ती जी हमारे साथ और थोड़ी का परमानेंट बैकअप। परमानेंट बैकअप मतलब सीरियल बंद? वाओ, हाउ 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 सुस्ती जी हाउ? नो कमेंट्स। ओके लुबना एंड वैशाली, यू बोथ वर जस्ट कंप्लीटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच। द होल एक्ट वॉज वेरी वेल क्राफ्टेड, बहुत बढ़िया इसका स्क्रीन प्ले था, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर था, बोथ ऑफ यू वेरी डायनामिक परफॉर्मेंस, लवली। थैंक यू। थोड़ा लंबा था ये एक्ट, बट स्टिल यू पुल्ड इट आउट वेरी वेल आई थिंक। थैंक यू वेरी मच। कॉमेंट वो नहीं होता डेविड जी जो बड़ा हो या छोटा हो, कॉमेंट वो होता है जो पहाड़ों सी शक्ति रखे, उगते सूरज की तरह उगे, और जो चकदे फटे नपदे किल्ली, सवेरे के अंदर शाम दिल्ली पहुंच जाए। इधर से भी कमेंट आ रहे हैं, खराटे हैं ये। खराटा वो नहीं होता जो किसी को सुला दे। जोरदार तालियां कद्दू पाजी के लिए। तो लुबना कैसा लग रहा है कांटे की टक्कर में आकर? ग्रैंड फिनाले में स्टैंड अप का अवार्ड मुझे ही मिलने वाला है। ओ हेलो, लौट आओ, तुम आज यहाँ पहली बार आई हो, यहाँ जाने कब से कितने खिलाड़ी ये जंग लड़ रहे हैं, और आज तुझसे पहले दो दो मिस इंडिया लाइन में खड़ी है, तेरा कोई चांस नहीं है लुबना। तुम एक काम करो,
एलिमिनेशन की प्रैक्टिस करो. तब तक मैं उन दो मिस इंडियाओं को बुलाती हूँ. प्लीज वेलकम कृष्णा एंड सुदेश. फिटे मुंह तेरी कात का है, लते मारी तेरे को शर्म नहीं आती, मुंह से नहीं बोल सकती. कल हमारी परफॉर्मेंस है, अब ये तो बता दे कि क्या होगा हमारा. कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वही होता है जो मंजूर चैनल होता है. हाय पैन जी, ये आकाशवाणी की आवाज सुनी है आपने? फिटे मुंह ये तेरी आवाज है, कितनी घटिया आवाज है, इससे अच्छा तो चुप ही रहती. एक्चुअली मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है. हाँ ये बैठा हुआ है तो ऐसा है, ये उठा होगा तो पता नहीं क्या करेगा. अभी लॉलीपॉप चूसने से ठीक हो जाएगा, एक मिनट. लो ठीक हो गया. अब तेरी आवाज सुनिए प्यारी सी, तो पहले सबसे पहले मुझे अपना नाम बता. कुत्ती. सॉरी बिंदी लगाना भूल गई थी, कुंती. तुम्हारा नाम क्या है? मेरा बिल्लो द बेल्ट. What do you mean? मीन पापाई, हरबंसलाल पापाई. ओ लगता है तुम्हें इंग्लिश नहीं आती. क्या कहा, इंग्लिश नहीं आती? मैं थप्पड़ मारना, इंग्लिश नहीं आती. आई डोंट नो इंग्लिश. विदाउट द हेल्प ऑफ ए परफेक्ट मास्टर यू कांट ट्रांसलेशन, यू नो. थैंक यू. अरे तू क्या समझती है कि मैं मिस वर्ल्ड में ऐसे पहुंच गई हूँ? मैं कॉम्प्रोमाइज करके आई हूँ, वो भी अंग्रेजी में. Come on, ये मिस वर्ल्ड नहीं, मिस इंडिया कॉन्टेस्ट है. हाय हाय, इंडिया भी तो वर्ल्ड में ही है. अच्छा सुनो, लेकिन तुम मिस इंडिया नहीं बन सकती, तुम बहुत मोटी हो. हाय हाय, फटे मुंह तेरा. मोटी हो? मोटी थोड़ी हूँ, ये तो तुम्हारा भतीजा होने वाला है. क्या तुम मैरिड हो? हाय हाय, नहीं हूँ मैं अनमैरिड ही, ये वैसे ही शौकिया तौर पे. मतलब ना, दरअसल ना जिससे मेरी शादी होनी ना, उसका मैंने टेस्ट लिया है. किसका? बात पता क्या है कि आजकल के ना कई पति जो है ना, अपनी पत्नियों पे इल्जाम लगा देते हैं अगर बच्चा ना हो तो बदनाम तो हमारे जैसी शरीफ औरती हो जाती है ना. खैर छोड़ो मेरी, तुम बताओ कि तुम हो कहाँ की. ए, क्या हुआ डार्लिंग? नहीं रोना नहीं, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप. है ये तो चुप हो गई. है क्या कर रही हो? क्या कह रही हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कहाँ की हो बताओ, कहाँ सा कहाँ? नहीं पहले तो मैं कहीं की थी, जब से मॉडलिंग में आई हूँ तब से कहीं की नहीं रही. क्या मतलब? नहीं मेरा मतलब है कि जगह जगह जाना पड़ता है ना, कभी प्रोड्यूसर के यहाँ, डायरेक्टर, कैमरामैन सबके यहाँ. पर क्यों? टेस्ट देने के लिए. हाय हाय, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, ये तो मैं भी देती रहती हूँ. अच्छा ये बता कि अच्छी मॉडल बनने के लिए क्या क्या जरूरी होना चाहिए? एक ही चीज. क्या? मॉडल का मुंह जल होना चाहिए, ऐसे. अच्छा ये बता कि तुम्हारा आइडल कौन है? इंडियन है? नहीं मेरा मतलब है अर्चना पूरन सिंह. यू नो वो ही एक ऐसी मॉडल है जो मिस इंडिया भी बन सकती है और मिस्टर इंडिया भी. पहले मिस्टर इंडिया में वही थी. अच्छा हाँ. तो फिर ये अनिल कपूर को क्यों ले लिया? क्योंकि उसके बाल थोड़े ज्यादा थे. अच्छा ये बता कि तू कहीं और भी आ सकती, तू मिस इंडिया में क्यों आना चाहती है? यू नो क्या है, क्योंकि बचपन से मैं सभी चीजें मिस करती आई हूँ. बचपन में मैंने स्कूल की बस मिस की, जब कॉलेज में गई तो पीरियड मिस किए, स्पेशली मैथ्स की. उसके बाद मैंने अपनी सुहागरात मिस कर दी. बेटे मुझ तेरी का द सुहागरात, इसमें कौन सी बड़ी बात है सुहागरात मिस कर दी? बड़ी बात? तू देखती ना तो तुझे पता चलता कितनी बड़ी बात थी. खैर मुझको छोड़ो, तुम पे आते हैं. ये बताओ कि ये तुमने किसे सोच कैसे लिया मिस इंडिया में आने के लिए यार?
पता क्या है कि सारे मोहल्ले की लड़कियां ना मुझे कहती थी बिल्लो तो बड़ी बदसूरत है, तो मेरा हौसला बढ़ गया, मैं कहा फिर तो मैं मॉडल बन सकती हूँ। ये ना क्या है, मॉडलिंग में सिर्फ बदसूरती नहीं टैलेंट भी होना चाहिए। टैलेंट तो मेरे अंदर बहुत है पर सबके सामने मैं दिखा नहीं सकती, मुझे शर्म बड़ी आती है। चल तुम्हें तो दिखा देती, तुम तो मेरी सहेली है, फ्रेंड है। देखो पता क्या है, मैं सबको ये सच्ची बात भी कहना चाहती, जो परमात्मा ने टैलेंट दिया हो वो ही करना चाहिए। जैसे परमात्मा ने मुझे अच्छी आवाज दी है इसलिए मैं सिर्फ डांस ही करती हूँ, क्योंकि अच्छी कॉमेडियन बनने के लिए जिम तो जाना ही पड़ता है, इसलिए मैं ये क्वाली सारी लड़कियों को स्पर्मित करती हूँ। स्पर्मित? इसमें हंसने की क्या बात है, मेरे मुंह से निकल गया। तो लीजिए ये गजल आपकी नजर। बकवास कर, बंद कर इसको, समझ नहीं। जज भी उनके संग है। थैंक यू, थैंक यू। नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, बच्चे दो ही अच्छे। तो शेखर, आपको इन दोनों में से कौन सी मिस इंडिया ज्यादा हॉट लगी? As usual, आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि बिल्लो का रोल जो आपने किया है वो आपके काफी सारे जोक्स बिल्लो द बेल थे, लेकिन फिर भी दे वर नाइस एंड वेरी इंडियरिंग। ये नंबर बताओ, 9। कृष्णा एंड सुदेश, वाकई में आई वांट टू टेक यू होम। मैं मेरे साथ आई थिंक टुडे शेखर वांट्स टू टेक यू होम। तुम्हारा घर अभी बहुत बड़ा हो गया होगा, ये दोनों को घर ले जा चुकी है। नहीं, ले जा नहीं चुकी है, बोल चुकी हूँ खाली। हाँ, टोटल 10। एक्चुअली मैंने सब मिस इंडिया जितनी आई है सबके साथ काम किया मैंने। मुझे लगता है नेक्स्ट नंबर तुम दोनों का। थैंक यू जज साहब, थैंक यू। कृष्णा और सुदेश, बदलते हो तुम रोज भेष, लेकिन आज का तुम्हारा मिस इंडिया नहीं, मेरे हिसाब से मिस वर्ल्ड था। ओ बिल्लो रानी, कहे तो अपनी जान दे दूं। बहुत अच्छे गुरु, बहुत बढ़िया। थैंक यू, बहुत बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग, थैंक यू। अनूप, सीजन 2 ने तो अपना पूरा खेल खेल लिया, तो क्या हुआ भाई, हमारे पास और भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, जैसे उर्वशी। अनूप, उर्वशी दिखाने के लिए नहीं है, उसका टैलेंट दिखाने के लिए है। अरे हम उसका टैलेंट देखेंगे, लेकिन शेखर तो उसको ही देखेंगे ना। अनूप, आज शेखर सिर्फ उर्वशी को देखेंगे नहीं, उसके साथ सीजन 1 के लिए परफॉर्म भी करेंगे। ओके ओके, यू मीन टू से स्मिता कि शेखर आज देखने के साथ साथ फील भी कर सकते हैं, यू नो। आई मीन उसका टैलेंट यार। तो उर्वशी के टैलेंट के साथ अपने टैलेंट का भंडार लेकर आ रहे हैं शेखर सुमन। Hi Urvashi, you looking so pretty, so beautiful, so gorgeous, so hot. Sorry, मैं तो भूल ही गया था कि ये शकील की जोड़ीदार है, इसे कुछ भी अच्छा सुनने और समझने की आदत ही नहीं थी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी देखिएगा नॉर्मल हो जाएगी। अरे मनहूस कमबख्त बारी बावली हो गए क्या, अल्लाह माफ करे तेरा सत्या ना जाए, रोटी के साथ आइसक्रीम खाने वाली औरत। देखा, तुरंत असर हुआ, इंस्टेंट रिलीफ, गाली बको काम पे चलो। एक बात कहूं, आप मूछ के बिना ना बहुत स्मार्ट लगते हैं। मूछ? मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रही हो। क्या बात कर रहे हो, आप शेखर नहीं हो? नहीं नहीं, मैं शेखर ही हूं, लेकिन वो मूछ, वो सब छोड़ो ना, रात गई बात गई। अच्छा एक बात तो बताइए, जब आप वहां बैठकर परफॉर्म करते थे, मेरा मतलब है हमें जज करते थे, तब आपको नहीं लगता था कि आपको भी इस मंच पर खड़े होकर परफॉर्म करना चाहिए? नहीं लगता था, लेकिन अर्चना के कमेंट से डरता था, कहीं वो ये ना कहे कि स्टार्ट तो अच्छा लिया लेकिन बीच में झोल आ गया, यू नो देयर वर टू मेनी पीक्स एंड वैलीज, वाइंड अप अच्छा था लेकिन और बेहतर हो सकता था, बट आई प्रॉमिस यू नेक्स्ट टाइम यू गोना परफॉर्म वेल, आई एम गोइंग टू टेक यू होम। उससे मैं डरता था, नॉट दैट आई माइंड अर्चना, इट्स जस्ट दैट आई डोंट लाइक अ होम, बहुत दूर है ना मड आइलैंड। अच्छा मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? सवाल पूछना चाहती हो? पूछो। अगर आपको मर्दानगी दिखाने का मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे? चॉइस है? बिल्कुल है। आप सन्नी पाजी की तरह हैंडपंप उखाड़ेंगे
या फिर लल्लू जी के तरह नौ बच्चे पब करेंगे। मैं निशब्द होकर कम चीनी वाली चाय पीऊंगा और सॉफ्ट साइड करीना पकड़ कर, मेरा मतलब है सॉफ्ट साइड करीना पकड़ कर किनारा पकड़ कर बाहर निकल। क्या बात है, क्या जवाब दिया आपने। अब आप फिल्मों की तरफ जा ही रहे हैं तो एक बात बताइए, युवराज देखी आपने? उसे खुद सुभाष घई ने नहीं देखी, बल्कि कल ही मैंने सुभाष जी को फोन किया और कहा सुभाष जी चलिए आज हम लोग इकट्ठे युवराज देखते हैं। हाँ। कहने लगे शेखर तुम चले जाओ आज मेरी तबीयत खराब है। भाई तबीयत खराब होनी थी, मनाने चले थे युवराज, बन गई विनोद कामली। मैंने सुना है आप प्रोड्यूसर बन गए। हाँ बिल्कुल ठीक सुना है। तो आपने मेरे बारे में भी बहुत कुछ सुना होगा। बहुत कुछ सुना है। क्या वो सब सच है? बिल्कुल सच है, मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। हाँ फिर तो वो सब सच ही होगा। काउच काउच है तो फिर आपको एक हीरोइन की तो जरूरत होगी ना। मुझे एक नहीं डेढ़ हीरोइन की जरूरत थी और मैंने उन दोनों को फाइनल भी कर लिया। डेढ़? हाँ डेढ़, सुष्मिता सेन और रानी मुखर्जी। अच्छा अच्छा, आपका मतलब है एक सुष्मिता सेन और आधी रानी मुखर्जी। मैं एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, एक रानी मुखर्जी आधी सुष्मिता सेन। अच्छा मुझे एक आइटम डांस के लिए ले लो। सॉरी टू लेट, उसके लिए मैंने कामिया पंजाबी को ले लिया है। अरे वो सिर्फ आइटम है, डांसर थोड़ी ना है। अरे जब आइटम अच्छा हो तो फिर डांस कौन देखता है। बाय द वे तुम और क्या क्या कर रही हो? आपको पता है मुझे ना दोस्ताना का ऑफर आया था अभिषेक बच्चन के ऑपोजिट, लेकिन उन लोगों ने ना जॉन अब्राहम को ले लिया उस रोल के लिए। वो तो लेना ही था क्योंकि ये ऑपोजिट वाला रोल था ही नहीं। मतलब ये आमने सामने वाला रोल नहीं था, ये सामने और उसके पीछे वाला रोल था। शेखर आज जो आपने यहाँ परफॉर्म कर ही लिया है, एंड हालांकि आपने कहा कि आप अर्चना की कमेंट से डरते हैं, लेकिन फिर भी उसूल है शो का तो वी विल हैव टू आस्क हर, कैसा लगा आपको ये एक्ट? द फैक्ट दैट बोथ ऑफ देम आर डूइंग एन एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, शेखर सॉरी टू से बट आई एम नॉट मिसिंग द अदर हाफ। थैंक यू सो मच। द जीरो इज फॉर उर्वशी एंड द वन इज फॉर यू, टोटल 10। फैंटास्टिक फैंटास्टिक शेखर, दिस इज अ 10। थैंक यू आप दोनों को, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पता है जब भी मैं बच्चों को देखती हूँ ना, मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, बच्चे मन के सच्चे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, इस मामले में मैं कुछ नहीं कहूंगा लेकिन दिखाऊंगा जरूर, और उसके बाद यही बात तुम फिर से कहना कि बच्चे मन के सच्चे। अनूप ऐसा क्या करने वाले हो तुम? अरे नहीं यार मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, जो कुछ करेगा वो अली करेगा अपनी मॉम अर्चना के साथ, सो प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। हाँ चिंटू बेटा किधर है तू? चिंटू अरे बड़ा खेलता हंसता बाहर है, फिर से तुमने पैंट गीली की क्या? नहीं नहीं आज नहीं की, आज मैंने डायपर पहनी है, दिखाऊं दिखाऊं? बड़ा हो जा समझदारी के काम कर। अच्छा जो लोग बड़े होते हैं वो लोग समझदारी का काम करते हैं? हाँ। तो आप क्यों नहीं करती? करती हूँ ना, कल ही मैंने बहुत समझदारी का काम किया। कल तेरा वो दोस्त ना पिंटू वो रो रहा था कि मेरी मम्मी बाजार चली गई, मेरी मम्मी बाजार चली गई, तो मैंने कहा कोई बात नहीं दो घंटे के लिए मैं उसकी मम्मी बन गई। करा ना समझदारी का काम, है ना? कच्ची हो गई कच्ची हो गई। किस तरह कच्ची हो गई? आपको नहीं पता मम्मी? क्या? वो पिंटू की मम्मी बाजार नहीं गई थी। फिर? अरे जिन दो घंटों के लिए आप पिंटू की मम्मी बनी थी ना, उन दो घंटों के लिए पिंटू की मम्मी मेरी मम्मी बनी थी। हाय क्या कह रहे तू? ये काम तो मैं और पापा ना पिछले 3 साल से कर रहे हैं। हाँ जब भी पिंटू की मम्मी मेरी मम्मी बनती है ना, पापा ना मेरे हाथ में ढेर सारे पैसे देते हैं और मुझे बाहर भेज देते हैं। बाहर? हाँ जब आप और पापा साथ में होते तब भी तो मैं बाहर जाता हूँ ना। ओहो तुझे क्या खा कर तेरे बाप ने पैदा किया था? खाली पेट। खाली पेट? हाँ बनोमत बनोमत, मुझे पापा ने सब कुछ बता दिया था। क्या बता दिया था? जब आप और पापा कुल्लू मनाली गए थे। क्या
हनीमून पर। हाँ, तब आपने पापा का सारा खाना खा लिया था और पापा को खाली पेट ही हनीमून। चुप चुप, आगे बढ़। इतनी सारी बातें करता है, मुझे लगता है बड़ा ही हो गया वाकई में। इसका टेस्ट करते। चिंटू बेटा, एक बात बता मुझे कि तू जब लड़कियों को देखता है ना, तो तुझे कुछ होता है क्या? होता है कि नहीं? होता है ना? होता है। हाँ, अच्छा बता क्या होता है? लड़कियों को देख के ना। अरे बोल भी दे। हंसी आती है। तुझे लड़कियों को देखकर हंसी आती है? क्यों? डरा क्यों? वो क्या है ना, मैं जब भी लड़कियों को देखता हूँ ना, हाँ, इमेजिन करता हूँ कि ये लड़की टकली कैसी लगेगी। टकली कैसे लगेगी? तो लड़कियों को देखकर इमेजिन करता है और वो भी कि ये टकली कैसे लगेगी। हाय रब्बा, क्यों? क्यों क्या? मैंने तो ना आपके लिए भी इमेजिन किया कि आप टकली कैसी लगोगी। मैं कैसी लगूंगी टकली? कैसी? मानना नहीं है, आप ना एकदम लेडी शाकल लगोगी। आंटी क्यों? मैंने तो कामी आंटी के लिए भी इमेजिन किया है। उसका पता। उसका पता। कामी आंटी ना एकदम है ना चाइनीज मॉन्क लगेगी। चेंज मॉन्क ली तो चाइना क्या होता? और बता। और है ना वो अपनी उर्वशी आंटी ना। नहीं नहीं नहीं, वो मेरी दोस्त है, वो उसके बारे में मत सोच, आगे चल। हाँ। उसके बारे में सोचने की क्या बात है, उसे तो मैंने टकली देख भी लिया है। तूने उर्वशी आंटी को टकली कब देखा? वो जब शकील अंकल के साथ वीक एक्सचेंज कर रही थी। अली। हाँ? जब तू कोई कैरेक्टर नहीं करता ना, तब तू ऐसे थर्ड क्लास जोक्स मारता है बस। थर्ड क्लास जोक? हाँ। अगर ये जोक मैं उस वक्त कहता जब आप जज की इस कुर्सी पे बैठी होती ना, तो आप तो गले फाड़ के हंसी। शट अप, अगर मैं गले फाड़ फाड़ के ना हंसू वाह, तो तुम लोगों की एक्ट्स को कौन अप्रिशिएट करेगा? मैं हंसती हूँ तो सब हंसते हैं ना, अप्रिशिएट करते हैं ना। नहीं, यू मीन टू से हम लोग गंदा परफॉर्म करते हैं? गंदा परफॉर्म करते थे, लेकिन आज नहीं किया तुमने, पूछा क्यों? क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ यार। I want to give you 10 upon 10. मुझे आज आपका 10 out of 10 नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मार्क्स मुझे आपसे नहीं, उनसे चाहिए। अयो, ओके। दे दीजिए ना। तो जजेस, कैसा लगा आपको ये प्यारा सा बच्चा? आज थोड़ा रोल रिवर्सल हो जाए, आज तुम किसी को घर नहीं ले जाओगी, आज मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। आहा, ये नंबर बताओ। अली, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये अर्चना के लिए। थैंक यू ऑल द सेम। एंड थोड़ा आई नो, अब मैं अपने कमेंट्स अपने आप पर दे दूं, है ना। हम थोड़े अंडर रिहर्स थे और अली तुमने अच्छा किया। एंड एज अ स्मॉल बॉय यू ऑलवेज वेरी क्यूट एंड And I really want to take you home. I want to go home. राजीव के हाथ आ गई है एक ऐसी टीचर जो उसे देती है टीवी की हर सुपरहिट चीज की क्लास। 350 साल तक जीने वाली बा से लेकर 4 जन्मों तक चलने वाली सुहागरात तक हर बात की जानकारी देने आ रहे हैं राजीव और काम्या। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले तुलक 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 तुलक। ओए, मैं क्लास में आ गया, हमारी मैडम आई नहीं। मॉर्निंग कभी गुड नहीं होती, गुड सिर्फ प्राइम टाइम होता है। कहो गुड प्राइम टाइम टीचर। ओके, गुड प्राइम टाइम टीचर। चलो अभी जल्दी से अपना खोलो बैग। आशु, इतना बड़ा सूटकेस? हाँ, क्योंकि इसमें ना सारे सीरियल्स की ना 10-10 पार्ट्स में बुक्स, मिहिर की जीवनी, जितनी बहुएं हैं उनका सारा जीवन काल, और जितने भी प्लास्टिक सर्जरी करवा के बहुएं आई उनका जीवन काल, और उनके बारे में सब कुछ बताया गया। बस 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 बस, चलो आज मैं तुम्हें लोगों का जनरल नॉलेज चेक करेगी। ओके, बा नामक प्राणी की व्याख्या कौन करेगा? बा नामक प्राणी मुख्यतः हमारे धारावाहिकों में पाया जाता है। इसकी विशेषता ये है कि इस पर जीवन और मरण का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल गलत।
बा नामक प्राणी का जन्म माँ एकता देवी के आशीर्वाद से हुआ है और उनकी मृत्यु भी माँ एकता देवी की इच्छा से ही होगी। चलिए अब बताइए, रिश्तों के रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, इस कविता का क्या अर्थ होता है? रिश्तों के तो रूप बदलते ही रहते हैं, कभी जो बीवी होती है सौतन बन जाती है, जो सौतन होती है बीवी बन जाती है, जो सहेली होती है बीवी बन जाती है, जो पति होता है जमाई बन जाता है। नए नए सांचों में ढलते हैं, बाबार्थ प्लास्टिक शल्य चिकित्सा के माध्यम से कभी 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 अमर उपाध्याय रोनित राय बन जाता है और कभी 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 स्मृति ईरानी भी गॉड गिल बन जाती है। कितना अच्छा बोला। मैडम आपके पीरियड की घंटी बज गई। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। डेली सोप के पीरियड इतने लंबे क्यों होते हैं? जब तक खुद मुंह से टन 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 करके बेल ना करो पीरियड खत्म ही नहीं होता। मैं मंजिला बेबी स्वागत करती हूँ आपका रियलिटी शो की इस नई क्लास में। सबसे पहले खोलिए अपने टैलेंट की बैग। ले लीजिए। ये क्या, खाली बैग? हाँ, क्योंकि रियलिटी शो में ऐसा ही होता है, बाहर से भरे हुए अंदर से खाली। अब ये बताइए कि रियलिटी शो से सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है, प्रोड्यूसर्स को या पार्टिसिपेंट्स को? दोनों को नहीं होता, ना प्रोड्यूसर को ना पार्टिसिपेंट को। सबसे ज्यादा फायदा होता है जजिस को। ये पार्टिसिपेंट को 10 नंबर देके अपने बैंक अकाउंट में पता नहीं कितने नंबर बढ़ाते रहते हैं। आप अगर ऐसे जवाब देंगे तो आप रियलिटी शो कैसे जीतेंगे? आप तो हार जाएंगे, आप जजिस से पंगा ले रहे हैं। मैडम, हमारे रियलिटी शो के जजिस को पंच लाइन सुनने की और पंच लाइन खाने की आदत पड़ चुकी है। क्यों जजिस अंकल और जजिस आंटी? तो जजेस, ये टीवी स्टूडेंट्स पास होंगे या फेल? राजीव और काम्या, हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू। जिस किस्म के परफॉर्मेंस की आप लोगों से हमेशा उम्मीद की जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने वे परफॉर्म किया है और आज आपने साबित कर दिया है कि जो कंसिस्टेंसी आपने पिछले इतने सारे एपिसोड्स में दिखाई है, उसी कंसिस्टेंसी और उसी कोऑर्डिनेशन के साथ आपने आज एक बार फिर परफॉर्म किया। ये नंबर मैं तुम्हें दूँ। थैंक यू। आजकल टेलीविजन पर जो बच्चे आ रहे हैं उन पर काफी विवाद चल रहा है, उस पर आई हैव स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, बट दिस चाइल्ड तो आई लव, और ऐसे बच्चे को काम करना चाहिए भाई टीवी पर। एंड काम्या, यू आर ऑलवेज गुड। हालांकि लोग बोलते हैं कि शेखर तुम्हें ज्यादा नंबर देते हैं बिकॉज ऑफ योर क्लोज, बट आई थिंक आपके टैलेंट के लिए मैं हमेशा आपको नंबर दूंगी। टोटल 10। थैंक यू काम्या जी। मैंने तो मतलब मैं आज पहली बार आया और मैंने आपके छोटे स्कर्ट्स के बारे में बहुत सुना है, बट आप टीचर बनी है मगर ये भी काम आपने बहुत अच्छा किया है। एंड राजीव वॉज वेरी गुड एज अ चाइल्ड। थैंक यू। आपने मुझे अपने टीचर की याद दिला दी, मेरी आंखों से खुशी के आंसू आते आते रह गए। आप दोनों को बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच। दोनों सेनाओं के सिपाही कर चुके दो दो हाथ, अब देखना है कि किसने बाजी मारी, सीजन 1 या सीजन 2। लेकिन जब तक हम सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के जजेस स्कोर और ऑडियंस वोट को जोड़कर ग्रैंड फिनाले का रिजल्ट लेकर आते हैं, तब तक आप कुछ ऐसा देखिए जो आपने कभी देखा तो क्या सोचा भी नहीं होगा। तो आ रहे हैं स्वप्निल वीआईपी और राजेश राजीव एक साथ टू गिव यू अ सरप्राइज परफॉर्मेंस एट आर कांटे की टक्कर ग्रैंड फिनाले। लेट्स हियर अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ देम। लाइट कैमरा एक्शन। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि लोगों को मालूम पड़े कि मैं भी एक फिल्म डायरेक्टर हूं, वरना आजकल भारी भरकम लोगों को कोई लोग डायरेक्टर समझते हैं, हल्के फुल्के को कोई समझते ही नहीं डायरेक्टर। आजकल फिल्म बनाना कितना मुश्किल हो गया सर। बहुत इस्टेब्लिश लोगों के साथ तो और भी मुश्किल है, किसी की डेट नहीं मिलती है तो किसी को डेटिंग से फुर्सत नहीं मिलती है। बहुत अच्छे। कोई रामू रामू चिल्ला रहा है तो कोई मामू मामू चिल्ला रहा है। कोई चोपड़ा कैंप में घुसा है तो किसी का थोबड़ा कैप में घुसा है। मजबूरी है नए लोगों के साथ काम करना, इसलिए नए लड़कों को बुला रहा हूँ। रामू। हाँ सर। भेजो लड़कों को। हाँ ए लंबू चल चल सर बुला रहे जा।
एक मिनट भाई, आपका नाम? चालू। चालू? वो तो शक्ल से लग रहा हूं, नाम पूछ रहा हूं। चांद लूथरा। चांद लूथरा, चालू। अच्छा है तेरा नाम गालू नहीं है। एक्टिंग आती है? एक्टिंग शक्टिंग सब आती है। एक्टिंग तो ठीक है, सेक्टिंग कहां से सीखी है? आप डायलॉग शायलॉग दे के देखो शको, मैं आपको सब कुछ दिखा सिखा दूंगा। साहब ऐसा है, आप अपनी फोटो सोटो छोड़ दो, जब कोई रोल सोल निकलेगा तो आपको बुला सुला लूंगा। कैसे कैसे? आप मेरा ऑडिशन ऑडिशन ले लीजिए। अच्छा ऑडिशन लेता हूँ, एक मिनट आप साइड में खड़े रहे। रामू सर, किसी दूसरे को भेजो। ए डूड, तुम फिल्म पढ़ाओ। सॉरी, तुम फिल्म पढ़ाओ। भाई फिल्म मैं बना रहा हूँ, डायरेक्टर मैं हूँ। ये फिल्म है? हाँ, मैं बना रहा हूँ, इधर इधर। आपकी तारीफ? मेरी तारीफ जितनी की जाए कम है। मेरी तारीफ जितनी की जाए कम है। मतलब मैं पूछ रहा हूँ, आपकी तारीफ आप चाहे तो कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो कर सकते हैं। मेरा मतलब है, आपका नाम क्या है? नाम तो अभी हुआ नहीं है सर। हाँ, बस एक फिल्म आ जाए, हो जाए। सुपर सुपर। मैं पूछ रहा हूँ, आपका मौजूदा नाम क्या है? ओ हाँ, इमरान हाशमी। इमरान हाशमी। हाशमी जरा इधर साइड में खड़े रहिए। सब बैड एक्टर आ रहे हैं, गुड तो कोई है ही नहीं। अरे है ना गुड। एक मिनट। डायरेक्टर साहब मैं हूँ। ओह या। हाँ भाई, आपका नाम? बीवी। किसकी बीवी? किसी की भी नहीं। हाँ, बिपिन वीरानी। अच्छा, बीवी शॉर्ट फॉर्म। ओके ठीक है ठीक है, आप लोग इधर आइए। Yep. आप लोगों को ऑडिशन लेता हूं, मैं आपको एक सीन समझा रहा हूं, आप लोग सीन करके दिखाइए। okay. ठीक है? Yep. देखिए आप एक कर्नल हैं, okay. समझ गए? और आप एक फौजी हैं और आप एक डॉक्टर हैं। इस सीन में लड़की का भाई, मैं सीन समझा रहा हूँ, सीन समझिए। आप एक कर्नल हैं, आप टेंशन में इधर उधर टहल रहे हैं, पीछे से फौजी आता है। आप पूछते हैं कि क्या हुआ? फौजी बोलता है मेरे पैर में गोली लगी है। ठीक है, फिर कर्नल साहब डॉक्टर को फोन करते हैं, डॉक्टर आता है, चेक करता है, फौजी को इंजेक्शन देता है, फौजी मर जाता है। समझ गए? और पूरे सीन में लड़की उठी नहीं। पूरे सीन में लड़की उठी नहीं। लड़की आएगी, आगे लड़की आएगी, ये सीन करके दिखाइए। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? ओके ओके, कम ऑन। मैं कर्नल हूं। हाँ, आप कर्नल है। सर मेरे पैर में गोली लगी। कहाँ लगी? कहाँ? गोली क्या लगी? डॉक्टर आओ। डॉक्टर क्या हुआ है? गोली लगी। कहाँ लगी है? पैर में। इसमें? ये इतना हल्के से क्यों छुरा है? ये इतना हल्के से क्यों छुरा है? नीचे नीचे लगी। गोली लगी, माय गॉड, एक्सक्यूज मी। इंजेक्शन दो। ओके, घूम जाओ। पहले चेक करो। इंजेक्शन दो। इंजेक्शन दे दिया। पेशेंट कैसा है? अरे पेशेंट मर गया। अरे व्हाट, पेशेंट मर गया? ये एक्टिंग है तुम लोगों की? साले थिएटर से पब्लिक भाग जाएगी, ऐसे एक्टिंग करते हैं?
यार आजकल कॉमेडी फिल्मों का जमाना चल रहा है, कुछ लाफ्टर होना चाहिए, कुछ कॉमेडी होनी चाहिए इस सीन में। कुछ कॉमेडी करके दिखाइए इसमें, कॉमेडी। चलो 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 जल्दी। मेरे पैर में मेरे पैर में कुल्ली। डॉक्टर अरे आ जाओ, गोली लगी है। ये ये इतना घुमाता क्यों है? क्या ये बार बार इसमें कुछ म्यूजिकल होना चाहिए, कुछ म्यूजिक होना चाहिए, कुछ डांस ड्रामा, कुछ हंगामा होना चाहिए। तो ठीक से बोलना चाहिए ना कि एक और टेक करो। तो ठीक से बोलना चाहिए ना, एक और टेक करो। करो। चलो लाइट कैमरा एक्शन। एक मिनट गोली निकली। ये रही गोली। क्या बात है, पहला डॉक्टर है जो अपनी गोली से मर गया। यार ये डॉक्टर तो मर गया, ये डायरेक्टर डॉक्टर मर गया। तो चल फिर डेविड धवन के ऑडिशन में चलते हैं। डेविड धवन ऑडिशन दे रहा है? ऑडिशन लेगा, उसको भी बर्बाद कर देते हैं। ये आप लोग ने कितने टाइम में प्रिपेयर किया ये सब? कुछ नहीं, ये सारा एक्चुअली हमने प्रिपेयर ही नहीं किया। आई थिंक इस एक्ट की यूएसपी ये थी कि हमने इसे प्रिपेयर नहीं किया था। सो वी जस्ट टुक इट ऑन फ्रॉम देयर। लेट्स सी कि हमारे जजेस को आपका ये मैड एक्ट कैसा लगा। मैं बता नहीं सकता कि ये शो कितना ज्यादा। थैंक यू सर, दिस वाज द मोस्ट डिलीशियस पीस ऑफ नॉनसेंस। बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था। बस थैंक यू सर, बजा सकता हूं। थैंक यू सर। इतना बिजार, इतना पागलपन एक साथ स्टेज पर तुम चार बेशरम लोग ही कर सकते हो। वेरी वेल एग्जीक्यूटेड और वो बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम, दे आर फैंटास्टिक। बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर, कमाल। और एक बात बताऊं, जो किशोर कुमार था ना, दैट वाज ब्रिलियंट। दैट वाज एक खूबसूरत मोमेंट जिसको बोलते हैं ना, दैट केम विद किशोर कुमार। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रुप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जैसे आदमी बॉल को हिट करता है तो बॉल चाहे नॉर्थ पोल तक जाए या बाउंड्री के पार जाए, रन छे ही मिलते हैं गुरु। इसलिए तेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। मैं तुझे 10 से ज्यादा नहीं दे सकता, मैं देता हूं तुझे 10 और बस। 6 और 4। ये कमेंट एपिसोड से बड़ा है। कमल, चारों के चारों भागने की कोशिश कर चुका। थैंक यू सर, थैंक यू, लव यू सर, थैंक यू सर। और अब वो वक्त जिसके लिए ये जंग शुरू हुई थी, इस जंग का परिणाम। और परिणाम से पहले चलिए एक नजर डालते हैं पिछले हफ्ते के स्कोर्स पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जजेस यहां स्टेज पर आ जाएं। जिस टीम के सर पर होगा जीत का ताज, जो सीजन होगी विजेता, जो बनेगी कॉमेडी की चैंपियन, वो सीजन है दोनों सीजन में एक दूसरे को दी कांटे की टक्कर।
लेकिन कोई किसी से कम नहीं पड़ा और किसी ने किसी को भी नहीं हराया। I would now like to request David जी कि वो प्लीज हमारे विजेताओं को उनकी ट्रॉफीज दें। Can we have the trophies on stage, please?